बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रकोष्ठों और मोर्चों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इसमें मौजूद रहेंगे। संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। सदस्यता अभियान का आगाज क्योंकि करना है और इसको लेकर ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले सदस्यता अभियान को लेकर तमाम जितने भी प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता ली और फिर कई दिशा निर्देश जारी हुए हैं पार्टी के प्रभारियों के लिए और अध्यक्षों के लिए। अब सदस्यता अभियान को हर राज्य में जो है और भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। जो जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को, अब वो जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आ गया है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, सदस्यता अभियान को लेकर क्या जानकारी आपके पास और आज जो ये बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की, इसका क्या उद्देश्य होगा? जी बिल्कुल, देखिए 1 सितंबर से शुरू होने वाले देशव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर संगठन से लेकर बूथ लेवल तक तैयारियां जो है वो की जा रही है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश कार्यालय में भी लगातार इसको लेकर बैठक हो रही है। बूथ मंडल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कार्यशालाओं का जो है आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रखी गई है। बीते दिनों में भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठों की इसको लेकर जो है बैठक हुई थी, जिसमें पदाधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा हुई थी सदस्यता अभियान को लेकर, जिसके बाद आज भी एक बैठक का आयोजन जो है वो किया गया। और इस बैठक में 31 अगस्त तक सभी को सभी तरह की बैठ के और तैयारियों को पूरा करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि जब 1 सितंबर से सदस्यता अभियान को जब वो शुरू किए जाएंगे तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए पहले से ही 31 अगस्त तक सभी तैयारियां जो है पूर्ण करने की आदेश जो है वो उनको दी गई है। इसके साथ ही हर संगठन में 100 लोगों को जोड़ने का जो है वो टारगेट उनको दिया गया है। इसके साथ ही हर कार्यकर्ताओं को हर बूथ में 50 लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मंत्री, सांसद, विधायक सभी को अलग अलग तरह के टारगेट सदस्यता अभियान को लेकर दिए गए हैं। इसके साथ ही और भी वॉर रूम से, भाजपा कार्यालय के वॉर रूम से सदस्यता अभियान पर जो है वो नजर भी बनाई जाएगी। इस दौरान किसी भी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लोगों को जोड़ने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो ऐसे में उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है दिए जाएंगे। तो तमाम तरह की तैयारियों को लेकर लगातार कार्यशालाओं का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठकें भी जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 50 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट जो है वो दिया गया है और वर्तमान में अभी की हम बात करें तो अभी 30 या 31 लाख या 42,000 को सदस्यता अभियान में लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। वहीं पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 10 करोड़ लोगों को सदस्यता अभियान के तहत जो है वो जोड़ना है। ऐसे में इस टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो जुड़ गए हैं और लगातार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह जाकर लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए, इन सभी तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में भी जो है वो रणनीति बनेगी। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो है, देखा जाए तो देश भर में लोगों को जोड़ने का बीजेपी से और उसको पूरा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। पेंड्रा की बात करेंगे जहां जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया है। जिला अस्पताल के सामने से ही अतिक्रमण को हटाया गया है। पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। दरअसल अमूमन यही समस्या होती है अस्पतालों के बाहर की पार्किंग कहाँ करें, और पार्किंग नहीं होने की वजह से और भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है जो लोग पहुँचते हैं मरीजों को लेकर। अब इस चीज़ को की समस्या दोबारा से ना हो इसलिए अतिक्रमण जो यहाँ पर किया गया था उसको हटाया गया। यहाँ पे ग्राम पंचायत सेमरा के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि जो कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल के सामने जितने भी अवैध रूप से बेजा कब्जा करके दुकान ठेला रखे गए हैं उसे हटाने के निर्देश नोटिस दिया गया था। 25 तारीख तक इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया गया था तो फिर उन्होंने हमें फिर से लिखा था कि आप मतलब 2-3 दिन में हटवाने का, मुझे लेटर लिखा गया था। तो आज पुलिस बल और राजस्व विभाग की उपस्थिति में यहाँ पर जितने भी शासकीय भूमि पर, रोड से लगी हुई भूमि पर जितने भी ठेले और गुमचे थे सबको हटाया गया था। सर लगभग कितने अवैध कब्जों पर कार्रवाई? यहाँ पे 8 से 9 लगभग होटल दुकानें थे इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा जा रहा था कि होटल बनते जा रहे थे और रोड में ट्रैफिक की समस्या भी आती जा रही थी, एम्बुलेंस के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर ये कार्रवाई करना आवश्यक है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है। भिलाई में हुए लाठी चार्ज को लेकर चिट्ठी लिखी गई है और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो भूपेश बघेल की चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी है और कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में और पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। चिट्ठी के जरिए भिलाई में हुए लाठी चार्ज को लेकर चिट्ठी लिखी है भूपेश बघेल ने और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और साथ ही पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठी चार्ज किया बेवजह उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो चिट्ठी के जरिए भूपेश बघेल ने की है। दुर्ग जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री भड़क गए। अस्पताल में अव्यवस्था पर श्याम बिहारी जायसवाल भड़क गए। स्वास्थ्य मंत्री ने इंजीनियर ललित वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। एसडीओ पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल में नए निर्माण में खामी मिली, वार्ड की जो छत बन रही थी उसको देखकर मंत्री भड़क गए हैं। श्याम बिहारी जायसवाल भड़क गए। स्वास्थ्य मंत्री, सीएमएचओ और सिविल सर्जन की भी उन्होंने क्लास लगाई। स्वास्थ्य मंत्री ने व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री जब अचानक से पहुंचे अस्पतालों में, वहां की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया तो वो बहुत खुश नजर नहीं आए। इसको लेकर उन्होंने आदेश भी जारी किया था, लेकिन एक बार फिर निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए। ये यहाँ मैं दूर आया हूँ, ये 1.5 साल पहले बना था, पूरा वो ऊपर का इसका सीलिंग भी बैठ गया, पूरा हॉस्पिटल से हटे हुए हैं। इसमें जो इंजीनियर था, क्या नाम है, ललित चंद्रा का, ललित वर्मा, उसको टर्मिनेट कर दो, तुरंत ऑर्डर भेजो मेरे को और इसको जांच कराओ। इसमें एसडीओआई की गलती होगी तो इनको भी खिलाफ कर दूंगा। तो वही देखा आपने तस्वीर जहां स्वास्थ्य मंत्री भड़कते हुए नजर आए क्योंकि अव्यवस्था उन्होंने देखी। अब बात करेंगे जशपुर की, जहां एक अनाथ बच्चे की किस्मत जाग गई है जब अमेरिका के एक दंपत्ति ने उसे गोद लिया। कैंसस का ये परिवार अपनी 3 साल की बेटी के साथ शहर आया और उन्होंने इस बच्चे को गोद ले लिया। महिला और बाल विकास की टीम की मौजूदगी में इस विदेशी परिवार ने बच्चे को अपनाया है। बच्चे को गोद लेने वाले दंपत्ति का कहना है कि हम भारत से बच्चा इसीलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हम उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, उसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे। Adopt from India because India has a reputation for being very ethical and paying close attention to the children's welfare. The people here have taken such good care of Jiva. You are so caring and kind, and you take care of your children. And we wanted to bring him into our heart and into our family. We're going to raise him as one of our own. हमारे पास 2 वर्षों से ये बच्चा हमारे care center में था, adoption center में। अब उसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। इंटरनेशनल एडॉप्शन के अंतर्गत इसको बुक किया गया था और अब सारी, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई है, बच्चे को उसके जो इंटरनेशनल पेरेंट्स हैं उनको सौंप दिया गया है। फिल्म स्त्री 2 में चरित्र अभिनय करने वाली स्वस्तिका चक्रवर्ती बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के कान्हाबाड़ी गांव पहुंची। वहां कैंसर की जड़ी देने वाले प्रसिद्ध बाबूलाल भगत के घर पहुंची। अभिनेत्री स्वस्तिका अपने पति के लिए कैंसर की दवा लेने के लिए यहां पर आई। आपको बता दें कि बाबूलाल भगत कैंसर की जड़ी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। बाबूलाल भगत के घर से स्वस्तिका की पति के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। दवा ले जाने के बाद स्वस्तिका ने एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने बैतूल के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की। स्वस्तिका के पति एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित भी हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैंसर की दवा लेने के लिए पहुंची स्वस्तिका बाबूलाल भगत के घर पर। इनकी दवाई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अब उन्होंने यहां पर उनको दवाई दी है। स्वस्तिका के पति
कैंसर से परेशान हैं कुछ समय से, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि हाल ही में आपने स्वस्तिका को फिल्म स्त्री 2 में एक्टिंग करते देखा होगा। तो उनको ये हालांकि खड़ कर दिल वाला तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्वस्तिका चक्रवर्ती बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के कान्हाबाड़ी गांव पहुंची और यहां पर कैंसर की जड़ी देने वाले प्रसिद्ध बाबूलाल भगत के घर पहुंची और उनसे मुलाकात भी की। एक्चुअली मैं कान्हाबाड़ी गई थी भगत जी से मिलने, बाबा से मिलने गई थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पता चला, कई लोगों ने मुझे बताया कि बाबा कुछ इस तरह की दवाई देते हैं जिससे काफ़ी सुधार हो सकता है। तो मैं आई थी यहाँ पर घोड़ा डोंगरी और यहाँ से फिर बाबा के पास आई। तो देखा आपने, सुना आपने उनका क्या कुछ कह रहा था। आगे बढ़ेंगे, खबर कोरबा से है जहां जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। कई हफ्तों से लगातार स्वाइन फ्लू के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से 20 बेड को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि संक्रमण को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सीजनल में जो आते रहते हैं बीच में, हालांकि हमारे पास अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन कोरबा में लगभग 5-6 केस हैं यहाँ पर, ऐसा है। दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हमारे पास ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड है, तो हमारे पास तैयारी तो पहले से ही है, अपन उसके हिसाब से कर लेंगे। अभी हमने 10 बेड का भी रखा हुआ है। और अब खबर गरियाबंद से है जहाँ फिंगेश्वर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पानी की भारी किल्लत है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि स्कूल पिछले 1 साल से स्कूल का बोर पंप खराब पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बच्चे शौचालय के लिए सड़क पार करके अपने घर जाते हैं, ऐसे में बार बार सड़क पार करने पर कोई अनहोनी का की भी आशंका होती है। अब बच्चों ने स्कूल में पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।